पस में रख ले ये नौ चीजें, फूटी किस्मत बदल जाएगी, पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उसका पस हमेशा भरा रहे और उसे पैसे की कभी कमी नहीं हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी सैलरी या कमाई होने के बावजूद हमें कभी कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं जिससे हमारा पस खाली हो जाता है। ऐसे समय में खाली पस की हालत देखकर किसी पर क्या बीतती है, इस बात को वही इंसान समझ सकता है जिसने जिंदगी में कभी ऐसे दिन देखे हो। आप अगर चाहते हैं कि आपको कभी ऐसे दिन ना देखने पड़े, तो आप इन 10 चीजों में से किसी एक को अपनी पस या जेब में रख ले तो आपको माँ लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ज जैसी समस्या से भी जल्द ही छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे में चलिए आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि पस या जेब में किन 10 चीजों में से किसी एक को पस में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 1. अक्षत, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान या भगवान को अर्पित किए अक्षत चावल के 21 दानों को पस में रखने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता अनुसार ऐसा करने से पहले चावल के 21 दानों को लेकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, इसके बाद उसे किसी चीज में बांधकर अपनी पस में रख लें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती हैं। 2. पीपल का पत्ता, सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पीपल के पत्ते में भगवान का वास होता है, यही वजह है कि लोग इसमें जल देते हैं और इसकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि पीपल का एक पत्ता लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध करने के बाद पस में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, साथ ही देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 3. बड़े बुजुर्गों से मिले पैसे, अक्सर परिवार के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद के तौर पर कुछ पैसे देते हैं। कहा भी जाता है कि बड़े बुजुर्गों की तरफ से आशीष के तौर पर मिले पैसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। 4. एक रुपये का नोट, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पस में हर व्यक्ति को 1 रुपये का नोट रखना चाहिए, साथ ही इसे कभी खर्च नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने धन का आकर्षण बढ़ता है, जिससे जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रत्येक जन्म दिवस पर अपने पस में 1 नोट, छोटा या बड़ा, पर अपने पिता या माता के हाथों से केसर का तिलक लगाकर पूरे वर्ष के लिए रख दें। अगले जन्म दिवस पर किसी कन्या को दें, पुनः माता या पिता से तिलक करवाकर वर्ष हेतु रख लें। 5. चांदी का सिक्का, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय दिए गए हैं, लेकिन एक खास वास्तु नियम के मुताबिक पस में चांदी का सिक्का रखने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। वास्तु नियम के मुताबिक इस सिक्के को पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, उसके बाद अपनी पस में रख लें। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द ही आर्थिक स्थिति में सुधार नजर आने लगेगा। 6. कौड़ी, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कौड़ी माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। वास्तु एक्सपर्ट और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि 7 कौड़ियों को अपनी पस में रखने से आर्थिक तंगी जल्द ही दूर हो जाती है। इसके अलावा ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी विशेष प्राप्त होती रहती है। 7. श्रीयंत्र, श्रीयंत्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि श्री यंत्र को पस में रखने से जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कहा जाता है कि श्री यंत्र के इस उपाय से आर्थिक उन्नति भी होती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। 8. गोमती चक्र, गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक माना गया है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के मुताबिक गोमती चक्र को पस में रखने से आर्थिक स्थिति में तो सुधार होता ही है, साथ ही साथ कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। 9. माँ लक्ष्मी की तस्वीर, हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ लक्ष्मी की धन की देवी के रूप में स्वीकार किया गया है।
मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना किसी के जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की एक छोटी तस्वीर को पर्स में रखने से आर्थिक संपन्नता आती है। इसके अलावा कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।